सुबह 9 बजे क्या ले दूध ही नहीं है, फिर आगे उस पर चलना पड़ेगा यार। हमें इससे चाहिए ले चलते, चाय तो पीनी है, शाम कल शाम तक का जुगाड़ हो गया। पानी देख रहे थे, पानी कौन सा है आज, ठीक है 60-60 की, वहाँ तो 70 कुछ की लाए थे हम। अच्छा ओके, काबुन खाब फैमिली, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ प्रेरणा व्लॉग्स। तो गाइज आज डेट है 26 जून और हमारे रह गए यहाँ पे 2 दिन इसके बाद, आज के दिन के बाद, और अभी 11:15 हो चुके हैं। तो अभी जस्ट प्रीति ने ब्रेकफास्ट बनाया है प्याज के पराठे और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और आज का प्लान हमारा है बोटानिकल गार्डन जाने का, पता नहीं बाकी लग रहा कि बोरियत ना है वहाँ पर, बट कोई नहीं, एक्सप्लोर करना हम लोगों को, जाएंगे देखते हैं कैसा रहता है। और अभी धूप बहुत तेज़ थी जब हम अभी पानी वानी लेने गए थे, पानी ख़त्म हो रहा था, दूध ख़त्म हो रहा था, तो लेने गए थे 7-11, तो अभी आए हैं, बाकी बादल काले हो गए थे, देखते हैं क्या पता मौसम सही ठंडा हो जाए। तो आज सारे जाएंगे बोटानिकल गार्डन घूमने, नाश्ता करते हैं फिर रेडी होते हैं जल्दी से। तो गाइस 1:15 हो रहे हैं एंड अभी सारे रेडी हो चुके हैं, बस अभी मैं कैब करता हूँ, देन हम लोग सारे आज जा रहे हैं बोटानिकल गार्डन। और वैसे तो वहाँ पे पता नहीं टिकट कितने की, अभी चेक करूँगा, तो देखते हैं अगर सस्ती हो रहेगी ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही करूँगा क्लोक से, तो बताता हूँ आपको कितने की टिकट होती है। पीछे रख देंगे ना, पीछे रख देंगे इसको। तो गाइस कैब तो आ गई है, तो अभी हम बोटानिकल गार्डन जा रहे थे, तो वो टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि मतलब वो अच्छी जगह नहीं है, पैसे भी ज़्यादा दोगे और सिर्फ फ्लावर्स ही हैं वहाँ पे, तो कुछ देखने लायक नहीं है। दिस गाय क्रेजी फॉर वीडियो, सभी को कुछ हो जाता है बाहर निकलते ही वैसे। शाबी देख ले, ओए देखो देखो देखो, देख ऑन क्रेजी पप्पी बी, अच्छा तो लग रहा है यार, कितना ओ भाई फ्रूट चेक कर यहां पे। अरे ये हमने कैब के पैसे बढ़ाने के लिए कर रहा था भाई, यार पेड़ कितने साइड में, मम्मी मेरे को लिए अच्छा है यार, कौन सा है, कितने सारे कौन सा है, अरे कहां जा रहे हैं हम, कौन सी जगह आ गए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बोटानिकल गार्डन, नू नॉच करके है और बहुत बड़ा है, कम से कम मेन रोड से 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर आए हैं ये, तो काफ़ी बड़ा है। और मतलब वो कैब ड्राइवर वैसे हमें बोल रहा था कि बहुत बेकार है, फूल ही फूल वूल ये सब है, फ्लावर्स हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाओगे टिकट लोगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पहली बार आ रहे तो वर्थ इट है यार। और मेरे को मेन ये था कि मम्मी को दिखाना था, थोड़ा मम्मी एक्सपीरियंस करेगी चीज़ों को, वैसे हमारे लिए तो कुछ नहीं है कि भाई नॉर्मल फ्लावर्स वगैरह ही है, बट मम्मी और सही है एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी बड़ा है। तो अभी देखता हूँ टिकट, ऑनलाइन देख रहा हूँ मैं तो इंडियन रुपीज़ में 1100-1200 की टिकट है, बट अगर मैं उस क्लू कैब से कर रहा हूँ तो मुझे 700-800 रुपये की पड़ रही है, तो ऑलमोस्ट
300-400 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये देखो अंदर कितना क्राउड है, खाना पीना घूमना और ऐसे डायनासोर्स। क्यू को ऐसी चीज़ें देखने में अच्छा लग रहा है, तो हमारे लिए तो ये वर्थ इट है आना यहाँ पे। बच्चों के टॉयज, छोटे छोटे डायनासोर्स, डंकिन डोनट्स है यहाँ पे, आई बैन नाउ कॉफ़ी, कॉफ़ी शॉप और एक डंकिन डोनट्स। स्टार्टिंग में घुसते ही पता नहीं डायनासोर थीम के रखी हुए हैं यहाँ पे। ये देखो डायनासोर नो नोच, ये जगह का नाम ये है वैसे, नो नोच। तो अगर गूगल पे या कैब बुक करोगे या फिर आप क्लिक पे सर्च करोगे टिकट के लिए, तो नो नोच बोटानिकल गार्डन कैब है ये। हाँ। वाओ, हथौड़ा हथौड़ा क्यों के सर पे मार दो। डूम 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 यार, ये वाला डोनट खाने का मन कर गया, क्रीम क्रीम। तो अभी वो लोग जब तक आएंगे उनकी ना कैब कैंसिल हो गई थी, फिर दोबारा हुई है। विशा तुझे जो लेना है खुद ही उठा, ट्रे में रख, वहाँ जाके बिल करा ले। ये शीशा नहीं लगा के? नहीं। मैं सोच रही शीशा लगा। कौन सा खा रही है यार, उस दिन ये बहुत बढ़िया था, वहाँ पे भी 31 baht का था। सो गाइस अब हमने एक डोनट ले लिया है, तो आ गए हैं मम्मी और भी सारे, तो अभी देखते हैं कौन कौन अंदर जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का मन नहीं कर रहा अंदर जाने का, बट हमारा तो मन कर रहा है, बाकी देखते हैं क्या। हेलो, वो रहा ना टिकट काउंटर, गाड़ी के टायर, उसमें टायर देखे तो बड़े बड़े। अबे अंदर देखना, ये देख क्या क्या है भाई अंदर, देख कार गार्डन है, गाड़ियों का गार्डन है, डायनासोर है, ऑर्चिड ऑर्चिड गार्डन है। What are the charges for ticket? One adult? Thailand. Not Thailand. India. $500 for one person. Okay, buy ticket inside. $200 one person. And how much time it take to cover? 45 minutes. वो कह रहे हैं 500 baht की टिकट है, और अंदर जो बस है वो पर बंदा 200 baht है, 45 मिनट घुमाएंगे, जिसमें से दो फोटो खींचने के लिए तुम्हें बीच में उतरना है तो उतर सकते हो। और पैदल वालों, तो वैसे तो पैदल वाले जो घूमते ना जितनी देर घूमना तुम्हें, तो गाइस जो टिकट है वो 500 baht की है वैसे अगर लेते हैं यहाँ से। और जो अंदर साइट सीइंग करने के लिए बस है उसकी टिकट है 200 baht पर पर्सन, तो हम लोग वो तो नहीं लेंगे शायद, बट मम्मी को दिला देंगे, मम्मी बैठ के चली जाएगी। देखना अपने आप चश्मा पहनने की कर रही है, वो बबल कॉफी है ना। ये ऐसे कर दो, फ्लैंकिस कर दो, तो साइड सीन तो हम लोग नहीं ले रहे, हम तो पैदल ही घूम लेंगे। और जो टिकट है वो ऑनलाइन में बुक करा रहा हूँ, तो वो ऑलमोस्ट हमें 350 baht की पड़ रही है, तो 150 baht इसमें पर पर्सन बच जाएगा। अगर किसी का प्लान बनता है तो आप लोग बुक करा सकते हो क्लू कैब से, KLOOK। बाकी अब हमारा फाइनल हो गया, हम लोग जा रहे हैं अंदर, और टिकट बुक करता हूँ ऑनलाइन इंस्टेंट, यहाँ पे बैठे बैठे भी बुक हो जाएगी टिकट, ऐसी कोई वो नहीं है। तो गाइज पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, अभी अभी जस्ट मैंने बुक करी है, तो आप लोग भी आके इंस्टेंट बुकिंग करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अंदर गाइज, लेट्स गो। अब तो पैसे कट गए, अब तो जाना पड़ेगा, जल्दी चलो, बहुत देर से कोई कह रहा था नहीं जाना, कोई कह रहा था जाना है, तो मम्मी भी मना करने लगी थी यहाँ पे आके, आए हो तो घूमने आए हो ना, इन्जॉय करो। ईशा अभी साइड हो जाओ, टिकट लेके आ रहा हूँ। नंबर 9 ओके। ऑनलाइन टिकट के लिए अलग से काउंटर है 9 नंबर, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा कर आते हो तो 9। थैंक यू सो मच, कबन खा बेबी एंड ओनली सीनियर सिटीजन। इधर आओ, यहाँ स्कैन करो, हो जाएगा स्कैन एंड एंजॉय। तो अंदर घुस गए हैं, अब देखते हैं क्या 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 एक्सप्लोर करते हैं। बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा, मम्मी के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है वॉक करने में, बट कोई नहीं, देखते हैं कितना मैनेज कर सकते हैं। ये है गाइस नोंग नोच ट्रॉपिकल गार्डन,
इधर को चलते हैं, पहले ये कैक्टस गार्डन है ये देखते हैं। मम्मी कैक्टस देखो कैसे कैसे हैं और कितने बड़े बड़े हैं, है ना। तो सबसे पहले कैक्टस गार्डन है यहाँ पे, हर तरह के कैक्टस हैं यहाँ पे। हाथ लगाएं? हाँ लगा के देख ले। ओ भाई। धक्का दे दूँ तुम्हें? धक्का दे दूँ? ऐसे लग रहा है कि सॉफ्ट है बहुत, पर बहुत तीखी है यार। गीले भाई बहुत हार्ड है ये। तो गाइज इसके अंदर देखने के लिए बस ये सारे कैक्टस है और फोटो शूट अच्छा हो सकता है यहाँ पे, बहुत अच्छा। कैक्टस कैक्टस चुबवा के आ गई मम्मी। खींचना मुझे भी दे दे। फोटो सारे वीडियो बना ले इसके यहाँ कुछ है। अच्छा पहले आप आज हमसे पहले आ गए थे आप यहाँ? बड़े भाई हम वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, मम्मी पूरा एक्सप्लोर भी कर चुकी है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है यार ये देखने में, प्यारा सा। पीछे से सूंड ना मारना दे तुम्हें भाई, हाथी खड़े हैं कितने सारे। हेलो वो देखो मुंह खोल रहा है, वो मुंह खोल रहा है कि खिला, वो कह रहा खिला दो। मम्मी खिलाओगे? 50 रुपये खिलाओगे? हेलो एलिफेंट, हब्स ले रहे हैं बनाना फॉर एलिफेंट, 50 बाट के बनाना से। चलो चलो मम्मी खिलाओ। अब मम्मी खिलाएगी। यू देखो कैसे कर रहे हैं दिखाने की मेरी फोटो। ऐसे हाथ को ना स्टिल रखो, स्टिल वो अपना पकड़ लेंगे। देखा मम्मी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? यहाँ पे कैनबीज ड्रिंक मिल रही है, वो भी 100% प्योर। ये एलिफेंट राइड हो रही है यहाँ पे, मतलब एलिफेंट पे आपको पूरा घुमा भी सकते हैं। और जो टैक्सी है वो 200 बाट वाली है, उसमें सारे बंदे बैठ जाएंगे, बट वो ऐसे चलती जाएगी। अब जैसे ये गार्डन है, इसमें गार्डन में तो हम अंदर जाके फोटो शूट वगैरह करा सकते हैं। ये विंटेज वाली कार पर भी आप जा सकते हो, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसका 2000 बाट और 2500 बाट। एलिफेंट राइड भी कर सकते हो, विंटेज कार राइड भी कर सकते हो, और साइट सीइंग बस है आगे, मम्मी को वहाँ छोड़ रहा हूँ, मम्मी उसमें घूम लेगी। ये यहाँ पे बसेस लगी हुई हैं, अंदर आके 200 बाट की है। ड्रॉप कहाँ करोगे? हाँ पूछ लेंगे, क्या पता ड्रॉप यहीं करें। लो मम्मी ये लो, आप लो टिकट, बोलो 1 एडल्ट। ओनली 1। चलो बाय। तो मम्मी को हमने बिठा दिया है उसमें साइट सीइंग बस में, और 200 बाट दिए उसमें। मम्मी आएगी पूरे 1 घंटे बाद घूम के उसी जगह पे जहाँ से गए हैं, और उसी के बिल्कुल सामने ये बटरफ्लाई हिल है। अब हम लोग यहाँ पे फोटोज़ खिंचवाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है भाई। यहाँ पे तो ऐसे ड्रोन उड़ाओ, ओहो हो हो। तो गाइज ये अभी हम गार्डन इन द स्काई में आए हैं, और यहाँ सारे प्लांट्स ऊपर से लटक रहे हैं, और बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। और ये यहाँ पे इंडियन कुजीन है, इस पर पार्टी चल रही है। यहाँ पे इंडियन कुजीन में अंदर बुफे है इंडियन, तो अभी वीशा पता करने गई है कितने का है। अंदर इंडियन खाना खाते खाते आप लोग शो भी इंजॉय कर सकते हो। पूरी फिल्म दिखाने आई। चलो आ जाओ यार, आ जाओ 350 बाट। बकला के सारे यहाँ पे टेलीफोन बूथ लगे हुए हैं, इनको फोटो खिंचवानी है सबको। कितना अच्छी लग रही है स्ट्रीट पूरी। अबे मुझे लगा ये खुलेगा, बट ये बंद है अंदर। यहाँ रील बन सकते तुम कैसी? अच्छा हम दोनों पीछे खड़े हैं, ये यूं करेगा, तुम वहाँ से आओगे, यहाँ से अंदर बंद है ये, इसके पीछे से यार राइट से तुम आओगे, लेफ्ट से मैं आऊंगी, दोनों आएंगे फिर ऐसे बस एक खत्म। चलो चलो चलो। बहुत देर हो गई हमें, और अभी तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आधा पार्क भी हमने कवर नहीं करा, बहुत बड़ा है वो। तो हमें व्लॉग शूट करना है, फोटोज खींच रहे हैं, रीले बना रहे हैं, तो इतना टाइम लग गया ना, हालत ख़राब हो गई भाई, थक गए, ऊपर से ह्यूमिडिटी हो गई है बहुत ज़्यादा। मम्मी को अच्छा हुआ हमने उसमें भेज दिया, मम्मी वहाँ पहुँच भी गई है। तो अभी चलते चलते एक ये स्ट्रीट आ गई है, यहाँ आंट्स हैं यहाँ पर सारी बनी हुई, बहुत सारी आंट्स बनाई हुई हैं, और देखो आगे भी पूरा
ढका हुआ है। मतलब घूमने में मज़ा तो बहुत आ रहा है यहाँ पे। आंट टावर है ये, आंट टावर ये आ रहे हैं सारे पीछे से। अभी आंट टावर को कवर कंप्लीट करा हमने। ये देखो पूरा ऐसा लग रहा है पुराना टावर है कोई, उसमें सारे आंट्स ही आंट्स चढ़ गए हैं। और यहाँ फोटो खिंचा लो भाई, नू नोंग नूच पताया। हम लोगों ने फोटोज खिंचवा ली हैं, अभी रील्स बना ली हैं। डायनासोर वाली साइड चलते हैं। अब हमारा मन नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। और इस रोड पे आगे जाने के जाएंगे ना तो एक तो इधर लेफ्ट में हेड ऑफिस है, फिर आगे रेस्टोरेंट है, ऑर्चिड गार्डन है, पोल्ट्री गार्डन है और ब्रोमेलियड गार्डन है। तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके बाय बाय। बहुत बड़ा यार, चले यार, थक गए यार, बहुत बड़ा है। अब नहीं कवर नहीं करा जा रहा हमसे। ये डांस ये डिंगी डिंग लग कैसा लग रहा है, क्यों को हमने इस पे बिठा दिया। ओ वहाँ चली गई इतनी जल्दी, थक गई बेचारी, उसको बस डायनासोर देखने थे। कह रही डायनासोर वाली जगह पे फोटो खिंचवा देना फिर चलते हैं बाहर। बट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, और फैमिली अगर आए जैसे वॉक घूमना है तो बढ़िया है। और सीनियर सिटीजन अगर आए हैं तो उनको तो भाई साइट सीइंग बस है उस पर बिठा दो तो बेस्ट है। ये कार गार्डन है, कार गार्डन टू, इसमें सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो मेरे को तो नींद आने लग गई है। तो अभी हम लोग डायनासोर वैली में जा रहे हैं, और इधर देखो ये रास्ता है डायनासोर वैली जाने का, और यहाँ पे सारे बग्स ही बग्स हैं। बीटल, अभी बीटल वाले के वहाँ से आए हैं, जो बग्स थे ना सारे वहाँ से आए हैं बाहर। और उसके सामने सारे आउल्स हैं, सामने है फ्रेंच गार्डन, वहाँ पे सारे डायनासोर्स वगैरह तो स्टार्ट हो गए हैं। डायनासोर क्यों मैडम, मस्त रिलैक्स हो रही है। क्या कह रही हो? मैंने अच्छा तो बहुत है लेकिन चल चल के इतनी थकान हो गई ना, मजा नहीं आ रहा देखने में कुछ भी। हाँ। इंटरेस्टिंग है जगह। हाँ। ओ भाई आवाज भी आ रही तो है। अभी हम डायनासोर पार्क में आ गए हैं, यहाँ सारे डायनासोर्स भरे पड़े हैं। और ये देखो कितना बड़ा डायनासोर है, ये सबके नाम भी लिखे हुए हैं हर उस पे। हेलो, जब ये सड़ती है इसका ऐसा मुंह नहीं आता इसकी बुरा। और जब मैं बोलती हूँ कुछ तो तुम ऐसे हो जाते हो है ना। तो अब हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बस यहाँ पे लास्ट फोटो शूट चल रहा है। सामने वहाँ से गाड़ी मम्मी को करवाई थी, बस हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो हमें यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर मिल गया फ्री, भाई ठंडा एकदम, पी अभी नहीं जा रहा इतना ठंडा है। हेलो मम्मा, कैसा लगा आपको? नहीं लगा, सारी वीडियो बना के आई। मजा आया है? दो जगह रोकी थी। क्या क्या देखा आपने? आपने क्या क्या देखा? तुमने नहीं देखा, वो देखा मैंने। सलाह ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओ भाई, कह रही सारी वीडियो बना के लाई हूं। कह रही जो तुमने नहीं देखा वो देख कर आई हूं। ऐसी बात हम पूरा कवर नहीं कर पाए। फिर भी मम्मी मुंह से तो बताओ क्या क्या देखा। डायनासोर ही डायनासोर देखे, और क्या। डायनासोर, डायनासोर, डायनासोर देखा मम्मी ने। डायनासोर, मम्मी का फोन देखे बरकर आ गए पूरा। भाई देखियो कितना सारा खींच के आई मम्मी। भाई मैं सारा बना के आई हूं वीडियो। मम्मी भी खींच रही थी दिल पे फोटो। क्या कह रही हो आप, बोलो। अच्छा ये तो गए थे हम आंट वाले, इसमें भी गए थे, इसमें भी गए थे, डायनासोर में भी घूम कर आ गए हम, कैक्टस में भी हमने घूम लिया। रात के टाइम ऐसा कुछ होता था, लाइटिंग ऑन हो जाती है। हाँ ये स्टोन वाले में नहीं गए, मम्मी गई थी इसमें ना, इसी में गए थे ना। और वो रहा, वो जो मैं बोल रहा था ना तुम्हें, वो ब्रिज है वहाँ चल लो फोटो खिंचवाएंगे, देखो ऐसी फोटो आती। फिर चलो बाकी एक नंबर है, एक कार पार्क के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक से एक स्पोर्ट्स कार वगैरह, मॉन्स्टर ट्रक्स। चलो गाइस चलें अब, लेट्स गो। तो हम क्यू को अभी ये राइड्स करवाने जा रहे हैं, और उसके लिए यहाँ पे एक टोकन सिस्टम है जिसमें 20 बार्ट का एक टोकन मिलेगा, फिर उस टोकन से हम इनमें से कोई भी राइड करवा सकते हैं क्यू को। तो क्यू के पापा अभी रुपया निकालेंगे। क्यू कौन सा वाला बेटा? क्यू विच वन? इनी मिनी माइनी मो।
अच्छा इसमें, हाँ इसमें ब्लू ब्लू वाले उठा देते हैं ना, हम राइट चेंज कर रहे हैं क्योंकि उसमें चालान है सिक्का। देखो अब ऊपर से लेता हूँ, चलो चलो। ये क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग ले गया। पकड़ लो पकड़ लो, होल्ड होल्ड। हाँ गुड, ये पापा नहीं है, ये अब नहीं बैठना, हो गया हो गया, पैसा बर्बाद। कोई नहीं, थोड़ी देर तो खेल लिया उसने, खुश भी हो गई थी। दिल्ली 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 पीप्स को कोकोनट वाली आइसक्रीम दिलाई है जो कि एक नंबर हो रही है, मैंने खाई थी वैसे, थोड़ी सी खिलाना। मज़ा आ गया। यू लाइक किटी? या इधर भी किटी किटी और पीछे सीट्स में भी हेलो किटी किटी। अब 6:30 बजे जाके कैब हुई है और अभी एक ही हुई है, विशा सैबी प्रीति और वरुण आएंगे अभी जब उनकी कैब होगी। मैं और मम्मी और निकल गए और क्यू को लेकर आ गए। पियो मुंह में डालो, पियो। ये छोड़ो नो, खाली स्ट्रॉ से लगे रहो, लगे रहो। 7:15 बज रहे हैं एंड अभी जस्ट हम घर आए हैं, अभी सिर्फ मैं मम्मी पापा और मम्मी और क्यू आ गई हैं, बाकी उनको अभी टैक्सी मिली कि नहीं मिली पता नहीं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। और अभी हम जैसे विला में घुसे ना तो पूरा हॉल ठंडा हो रखा है, हमारा रूम तो बंद है। इधर आया हूँ मैं तो यहाँ विशा मैडम ने अपना रूम खुला छोड़ा हुआ है और AC चल रहा है, AC चला पड़ा है यहाँ से, मतलब सुबह से AC चल रहा है और सारी रात तो चलाती है मैडम। इतना ठंडा हो रखा है ना, पूरा विला ठंडा कर दिया एक AC ने। अब जाके उन लोगों की कैब हुई है भाई, फाइनली कैब हो गई और शरीर आज ऐसे हो गया कि भैया शरीर में तो जान ही नहीं है, इतना चले हैं ना, इतना चले हैं। तो बोटैनिकल गार्डन जाना मतलब वर्थ इट है, बाकी एनर्जी चाहिए वहाँ पे वॉक करने के लिए, पूरा दिन चाहिए, पूरा दिन आराम से आप पूरा दिन एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। बाकी आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा मैंने क्या क्या दिखाया है, कैसा लगा आपको कमेंट में बताना ज़रूर। अब शरीर में एनर्जी नहीं है तो अभी मैं पूल में जा रहा हूँ, और जब ईश्वर आ जाएंगे तो वो भी पूल में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, क्योंकि शरीर में ना सबके जान नहीं है और पूल में जाके एनर्जी आएगी, अब थोड़ा बॉडी और रिलीफ हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों का प्लान है रात को नाइट मार्केट जाने का, वहाँ पे मम्मी और सारी शॉपिंग करनी है लोगों को, तो ये लोग शॉपिंग कर लेंगे और मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाके थाई स्ट्रीट फूड का ब्लॉग बनाऊंगा, तो अगला ब्लॉग आपको थाई स्ट्रीट फूड का मिलेगा। बाकी कमेंट में बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रॉम थाईलैंड। हाँ कफन पाको छेता मेरी छेला।